की धारा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। ऐसा भाव हमारे नौजवान अपने हृदय में रखते हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी सी कि हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट लिखा हो। सरकार इस विषय को अपने हिसाब से निपटा सकती है। यदुवंशी रेजिमेंट बनाए, अहीर रेजिमेंट बनाए, यादव रेजिमेंट बनाए, हमें वो स्वीकार है। बस उस शब्द में हमारे वंशजों का शौर्य, पराक्रम, साहस नजर हमें आए। हम केवल इतना सा ही तो मांग रहे हैं, ना हम किसी आरक्षण की बात करते। माने आज जिस विषय पर हम सब यहाँ संगठित होकर आए हैं, उस विषय का अगर हम मायने में सही में देखें, उसका आंकलन करें, तो किसी के अधिकार का हम कुछ ले नहीं रहे। हम केवल मात्र अपने लिए इतना मांग रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देश में कब कब किस किस क्षेत्र में किन किन राजाओं का राजपाट रहा। संक्षिप्त में अगर उस सारे का एक आवरण बनाया जाए, महाभारत के समय में आधे से ज्यादा दुनिया पर अकेले यादव वंशजों का राज था। पर क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती रही समाज में जिससे विघटन होता रहा, और उसका परिणाम कि लाखों शहीद होने के बाद भी आज तक हमारी अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकी, तो उस विघटन को खत्म करके हम इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे। और जब महाभारत के समय में आधे से ज्यादा दुनिया पर इस भारतवंशी, इस यदुवंशी, इस यादव कौम का राज था, तो क्या हम आज अहिर रेजिमेंट तक की स्थापना नहीं करा सकते। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मेरा तो निवेदन मंच पर जो हमारे मुख्य लोग भी यहां उपस्थित हैं, उनसे भी एक निवेदन है कि इसकी रूपरेखा तय करके आज यहां पर कोई निर्णय लेकर उठे और कोई अधूरा निर्णय यहां से ना लिया जाए। मैंने आज केवल मात्र कोई छोटी सी घटना करके या कोई छोटा सा निर्णय लेकर हम यहां से उठ जाए और इस मुहिम को यहीं पर खत्म कर दे, ऐसा हमारा विचार, हमारा भाव ना हो। क्योंकि ये जो सड़क है, इसने अपने आप में बहुत से इतिहास गढ़े हैं। पूर्व की बात करें, पूज्य स्वामी जी की बात करें, वो भी आज हमारे समाज का गौरव है। और केवल मात्र हमारे समाज का नहीं, बल्कि आज देश और दुनिया में उन्होंने जो डंका बजाया है, वो अपने आप में ऐर विस्मरणीय है। माने भुलाने योग्य बात नहीं है, वो सदा सदा के लिए। पीछे से हाथ का सिंबल है। बस एक छोटा सा मैं निवेदन और करना चाहूंगा कि हम केवल जो पूर्वजों ने किया है, हम केवल जो पूर्वजों ने किया है उसको याद कर करके दुहाई देते रहे कि हम उसकी संतान है, हम उसकी संतान है, उससे देश में परिवर्तन नहीं आएगा। हम जिस मांग को रखना चाहते हैं, उसके लिए हमें आज स्वयं लड़ने की जरूरत है। केवल पूर्वजों के किए हुए को हम बार बार बखान करें, उससे हमारा हित नहीं हमें मिल पाएगा। इसलिए हम सबको अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना साधन, अपनी संपत्ति लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये मिशन सफल हो पाएगा। इसके लिए आप सभी को अगेन दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। We'll be right back.